नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक अहम खबर की बात करेंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है ग्वालियर में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जय आरोग्य अस्पताल की अव्यवस्थाएं किस हद तक हो चुकी हैं, उसकी पोल एक बार फिर से खुली है। फिर से इसलिए क्योंकि ये लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन पर एक नवजात चल रहा था, 4 दिन का नवजात। ऑक्सीजन पर चल रहे नवजात को हाथ में लेकर अस्पताल जाना पड़ा, चेकअप के लिए परिजन ले गए थे, एम्बुलेंस नहीं मिली, इससे बच्चों को हाथ में लेकर परिजन गए हैं कमला राजा अस्पताल में। 4 दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ, मासूम बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है और बच्चे को फिलहाल ऑक्सीजन पर ही रखा गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे अव्यवस्था का आलम हर तरफ है, स्वास्थ्य विभाग में कितनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि 4 दिन का बच्चा जिसे ऑक्सीजन लगी है, कमला राजा में बच्चे का जन्म हुआ और उसे जब अस्पताल ले जाना था तो कैसे ले जाया गया, देखिए जरा क्या हालात हैं। जनता कैसे मजबूर है, जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इलाज के लिए, जो मूलभूत जो लोगों की जरूरत है उसको पाने के लिए कैसे लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है और देखने वाला कोई नहीं, शर्म किसी में है नहीं कि कोई देख ले तो ये क्या हो रहा है, तुरंत व्यवस्था तो कम से कम करा दे, एम्बुलेंस तक है। ग्वालियर से बड़ी खबर, क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली? सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, नई तस्वीर तो है नहीं लेकिन ये व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े करती है कि भाई ये हो क्या रहा है, जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की जिसमें शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार होता है, लेकिन यहां तो स्वास्थ्य के लिए लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ग्वालियर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो पोल है एक बार फिर खुल गई है। आज ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल से एक नवजात बच्चा जो 19 जून को जिसका जन्म हुआ था, सांस लेने में दिक्कत थी, उसे चेकअप के लिए ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल से थोड़ी ही दूर स्थित 1000 बिस्तर के अस्पताल में लेकर गया था परिवार। और उसका बच्चे का पिता बच्चे को हाथ में लेकर गया था, ऑक्सीजन पर बच्चा था, ऑक्सीजन सिलेंडर उसके परिवार के लोग धकेल के लेकर गए थे 1000 बिस्तर के अस्पताल में। वहाँ से चेकअप कराने के बाद वो वापस इसी हालत में कमला राजा अस्पताल लौटे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के दावे किए जाते हैं, तो वहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई। आप समझिए कि अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती, क्योंकि वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना की आशंका भी हो सकती थी। तो ऐसे में ये बात ज़रूर सवाल खड़े करती है ग्वालियर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कि किस तरह से हालात यहाँ है कि अटेंडर और जो लोग हैं उन लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई और उसके अभाव में खुद जो है उठाकर जान जोखिम में डालकर मरीज के परिजन उनको लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, मरीज के परिजन लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जाहिर तौर पर अस्पताल से जहां से ला रहे थे वहीं से मिला होगा, तो कम से कम एम्बुलेंस दे देते, बच्चे की स्थिति गंभीर थी, लेकिन जिम्मेदारी निभाने को जिम्मेदार तैयार है का। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दतिया की बात करते हैं, 1 घंटे की बारिश, जी हां महज 1 घंटे की बारिश और पहली ही बारिश है, हाल बेहाल हो गया शहर का, हाल बेहाल हो गया और पानी पानी हो गया शहर 1 ही घंटे की बारिश में। कई बस्तियों में पानी भर गया, सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जल भराव से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 1 घंटे में बारिश जो हुई, ऐसा नहीं है कि इंद्र देवता ने ऊपर से बाल्टी उड़ेल दी हो, बारिश धीरे धीरे हुई लेकिन निकासी जो है पानी की निकासी नहीं है और उसकी वजह से 1 घंटे की, महज 1 घंटे की बारिश में क्या हाल हो गया शहर का। तमाम बड़े बड़े दावे होते हैं लेकिन देखिए दावों की हकीकत पता चल जाती है बरसात के मौसम में। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता दतिया से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, 1 घंटे की बारिश में ये हालत हो गई कि पूरा शहर पानी पानी? जी हाँ पुनीत, ये जो नगर पालिका है इसकी अकर्मण्यता और हदर्जी की लापरवाही देखने में आई है। ये जो देख रहे हैं शहर के हृदय स्थल है किला चौक, इसका ये दृश्य है और यहाँ पर 1 से 2 फुट के बीच करीब पानी भर गया था।
मतलब जो लोग पैदल तो दूर, बाइक पे भी लोग जो है मुश्किल से निकल पा रहे थे। अब देखिए कि जो नगर पालिका को पता रहता है कि बारिश आने वाली है, तो सभी जगह है जो है पूर्व से ही प्लान बना के जो सफाई कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी नाम मात्र का कोई भी किसी तरह की कोई भी सफाई अभियान नगर पालिका ने नहीं चलाया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पहली बारिश में, ये पहली बारिश थी पुनीत, और करीब एक घंटे बारिश हुई है, इसके बाद ये शहर का नजारा ये था कि चारों पहली बारिश में ये नजारा है और अभी साफ सफाई की नहीं नालों की, तो फिर आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे समझा जा सकता है। जाग जाना चाहिए अभी भी। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, झाबुआ से बड़ी खबर बताते हैं। यहां पर बड़ा हादसा टल गया, शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में धुआं उठ गया था और बस में धुएं का गुबार उठ गया। हालांकि गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित है। देखिए ये खौफ से भर देने वाली तस्वीर की, अचानक से यात्री बस जो इसमें यात्री सवार हैं उसमें से अचानक से धुआं निकलने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना हड़कंप मच गया होगा यात्रियों के बीच। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित हैं, बिना फिटनेस के वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के सामने ये पूरा वाकया हुआ है। झाबुआ से खबर आपको बता रही है, धुएं का गुबार उठा, बिना फिटनेस के वाहन सड़क पर दौड़। भोपाल के मनीषा मार्केट में कमलनाथ के पोस्टर लगने के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा, निचले स्तर की राजनीति से बताया, तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उधर पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने चूना भट्टी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे इस पोस्टर में पीसीसी चीफ कमलनाथ को वांटेड बताया गया है। यही नहीं, स्कैनर से स्कैन करने पर 15 महीने के घोटालों की भी जानकारी दी गई है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया ये साफ नहीं। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियों का दौर जारी है, और उसी बीच जो पोस्टर है अब वो चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर जो है वो राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट में लगाए गए हैं और उनको इस पोस्टर्स में वांटेड कहा गया है और इसके साथ ही करप्शन नाथ के नाम से उनको उल्लेखित किया गया है। उधर पोस्टर के सामने आने के बाद कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक जीवन में कभी उंगली नहीं उठी। कमलनाथ ने बीजेपी पर निचले स्तर की राजनीति करने के आरोप लगाए। ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे, कह रहे कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ को लेकर लगे पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टैग से पता चलता है कि वो करप्ट नाथ थे। और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्ट नाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने, अब किन्होंने इन सारी चीजों को किया होगा ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट नाथ थे, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वीडियो वार, पोस्टर वार के अलावा जुबानी जंग भी चल रही है, जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो होना था वो हुआ भी। मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर छिड़ गया, बीजेपी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए। 5 नंबर स्टॉप पर भोपाल में सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। अज्ञात शख्स ने ही ये पोस्टर लगाए हैं सरकार के खिलाफ। सुबह कमलनाथ के पोस्टर लगे और पोस्टर लगाने वालों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। CCTV के आधार पर पुलिस जांच करने में लगी हुई है। तो पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, पहले कमलनाथ के खिलाफ लगे, अब सरकार के खिलाफ लगे। भोपाल में अगर बात करें तो पोस्टर वार छिड़ चुका है। सुबह कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, हालांकि उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई कि पोस्टर किसने लगाया था। और ऐसे ही अब अज्ञात लोगों ने पोस्टर शहर में लगा दिए हैं।
जिनमें सरकार के खिलाफ कुछ पोस्टर का जिक्र किया गया। हमारे जो सहयोगी हैं शैलेंद्र भदौरिया जी, उनसे जानते हैं कि सुबह भी जब आप पहुंचे थे तो इस तरह के कुछ पोस्टर आपने देखा था, जिस पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन ना दिखाया था, अभी ये क्या पोस्टर बार की राजनीति लग रही है? देखिए बिल्कुल, अगर ये कहें तो पोस्टर बार की जो है वो राजनीति शुरू हो गई, और ये वो पैटर्न है कर्नाटका पैटर्न। जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस ने वहाँ के जो तत्कालीन सीएम थे उनके खिलाफ पोस्टर लगाए थे, और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि 40% की सरकार चल रही है, और उसी तरीके से आज सुबह जब देखें तो कमलनाथ के जो पोस्टर लगे थे उसमें उनको करप्शन नाथ कहा था, उनके 15 महीने की सरकार में जो मुख्य करप्शन हुए थे या जो घोटाले हुए थे उनका जिक्र किया था। लगता है ये उसी की प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से आज दोपहर में भी जब कमलनाथ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे 45 साल के राजनीतिक करियर में कोई कभी उंगली नहीं उठा पाया, लेकिन जो बीजेपी है वो इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है और मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा था कि इस पोस्टर से उनका कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, अब शिवराज के पोस्टर लगे, अब देखना होगा कि बीजेपी इसको लेकर क्या कहती है। एक सवाल ये भी है आपसे कि ये जो पोस्टर लगा रहे हैं ये कोई अज्ञात व्यक्ति पहुंच रहा है, क्योंकि सुबह जब कमलनाथ के पोस्टर लगे थे उसकी भी तस्दीक नहीं हुई, अब ये पोस्टर लगा दिए गए हैं, तो क्या लग रहा है कि वो अज्ञात व्यक्ति है, उसकी तय तक पहुंचना पुलिस का काम रहेगा? देखिए बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि तय तक तो पहुंचना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से खुद कमलनाथ ने ये कहा था कि अगर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं तो वो खुलकर सामने आए और कहे। इसके अलावा अगर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के किसी बड़े नेता के इशारे पर किसी कार्यकर्ता का ये कृत्य किया गया, तो अभी देखना होगा कि क्या बीजेपी इन पोस्टर्स को लेकर क्या कहती है, क्या कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाती है या किसी असामाजिक तत्व की कारस्तानी बताती है। बिल्कुल, तो इस तरह के जो पोस्टर हैं शहर में लगा दिए गए हैं, बस स्टॉप पर, जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। अब पुलिस के लिए यही एक चेतावनी है, क्योंकि कांग्रेस सुबह से उस व्यक्ति के खिलाफ FIR करने की बात कर रही है जिन्होंने कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगाए थे। अब दूसरा ये सब्जेक्ट है कि यहाँ पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाए गए हैं, क्या इस व्यक्ति की अब तह तक पुलिस पहुंच पाएगी? CCTV कैमरों की जो है निगरानी में वो व्यक्ति क्या कैद हो पाया जिसने इस तरह के पोस्टर लगाए या फिर सुबह जो पोस्टर लगाए गए थे? कैमरा पर्सन खलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, News 18 भोपाल। दमोह की युवती के साथ कर्नाटक में लव जिहाद मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए MP पुलिस कर्नाटक जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर प्रियंका वाड्रा पर भी निशाना साधा है। दमोह की युवती के साथ कर्नाटक में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए MP पुलिस को कर्नाटक भेजने की बात कही। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। प्रियंका वाड्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहती हैं, तो उमर फारूक को गिरफ्तार करने में MP पुलिस की मदद करें। कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ में मैला थाने में रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफी गंभीरता से लिया है और आज ही कर्नाटक हम पुलिस की पार्टी को भेजेंगे, और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं, कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करें, जिससे पीड़िता जो मध्य प्रदेश की है उसको न्याय मिल सके। युवती कौशल विकास केंद्र के जरिए बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसकी पहचान एक युवक से हुई। उसने अपना नाम राजा बताकर युवती से दोस्ती की और प्यार के जाल में फंसाया और युवती के दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। इस दौरान उसका आधार कार्ड देखकर युवती को पता चला कि युवक मुस्लिम है और असम का रहने वाला है। युवती ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। अपना नाम राजू बता रहा था और वह हिंदू है, ये विश्वास दिलाया उसने। धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू हुई। जब रिलेशनशिप में कुछ दिन हो गए तब पता चला वो मुस्लिम है। 6-7 महीने से उसने परेशान करना ज़्यादा शुरू कर दिया। मैं MP आने दे रहा था, ना घर में बात करने के लिए दे रहा था। दमोह की इस युवती को लव जिहाद के जाल में फंसाने की साजिश रची गई। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में तंज कसा है और लिखा है कि सुना है कि पटना में फिर से काट की हांडी चढ़ी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने तंज कसा है
कि काठ की हांडी फिर से चढ़ी है पटना में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से यह दावा किया गया कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। चार राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं इसमें, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है, तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंदूक की नोक पर नाबालिग को अगवा कर लिया गया। जी हां, कमरे में बंद कर गैंगरेप भी किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पहले अपहरण किया गया, बंदूक की नोक पर नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद कमरे में बंद कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेहद हैरान कर देने वाला यह पूरा मामला। मुरैना से बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छोटी सी बच्ची को अगवा किया गया, बंदूक की नोक पर अगवा किया गया और उसके साथ फिर दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई, वो भी सामूहिक रूप से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, कमरे में बंद कर उसके साथ घिनौनी हरकत अंजाम दी गई है। मुरैना से यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, जहां पर गैंग रेप किया गया, बच्ची को शिकार बनाया गया, पहले उसे अगवा किया गया, बंदूक की नोक पर बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद बच्ची के साथ हैवानियत की गई, बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पांच दिनों के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पीड़िता भागी और महिला थाने में जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई है। बेहद हैरान कर देने वाला यह मामला। लगातार बच्ची को गैंगरेप करते रहे, उसके साथ उसकी अस्मत को तार तार करते रहे, कमरे में बंद किया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करते रहे और पांच दिनों तक उनके चंगुल में थी, फिर वहां से भागी और फिर महिला थाने में जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लड़की का मेडिकल कराया जाना है, कौन लोग हैं, कितने लोग थे, इन सब की तफ्तीश पुलिस कर रही है। अमित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस बड़ी खबर पर। अमित, क्या जानकारी इस बड़ी वारदात को लेकर? देखिए पुनीत, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला 16 तारीख का है, जब रात के अंधेरे में दो बदमाश आते हैं और बंदूक की नोक पर एक नाबालिग की युवती को उठा करके ले जाते हैं, फिर उसके बाद पांच दिन तक बंद कमरे में युवती के साथ गैंगरेप करते हैं। उसके बाद जब 21 तारीख को वो उस युवती को छोड़ने आते हैं तो तब पुलिसकर्मियों के साथ छोड़ने आते हैं, पुलिसकर्मी युवती पर दबाव बनाते हैं कि इन आरोपियों, जो आरोपी होते हैं उनका नाम नहीं लेना है और जितना पैसा चाहिए वो हम तुझे दिलवाएंगे। तो एक तरीके से युवती का आरोप है कि जो पुलिसकर्मी है उन्होंने भी डराया धमकाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़े कर देने वाली बात है कि जब दो आरोपी बंद कमरे में, पहले तो युवती को घर से बंदूक की नोक पर उठा के ले जाते हैं, उसके बाद बंद कमरे में पांच दिन तक गैंगरेप करते हैं और पुलिसकर्मी भी उनका सहयोगी बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। पुनीत, अमित, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो आरोपी हैं ये पहले से परिचित हैं, बंदूक की नोक पर घर से कैसे अगवा कर लिया, परिजनों ने क्या इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, पांच दिन से बच्ची लापता थी? देखिए पुनीत, बिल्कुल परिजनों को जैसे ही सूचना मिली थी, क्योंकि रात के अंधेरे में ये युवती को घर से लेकर के आती है, उसके बाद परिजनों ने गुमसुदगी की कोतवाली थाने में रिपोर्ट तो दर्ज कराई लेकिन आरोपियों की तलाश नहीं हो पा रही थी। अब युवती ने आकर के खुद बयान दिया है और न्यायालय में भी उसने बयान दिया है कि जो दो आरोपी हैं उन्होंने अपनी मामी के घर ले जा करके उसके साथ बंद कमरे में पांच दिन तक गैंगरेप किया है, लेकिन अभी तक उन आरोपियों के नाम नहीं आ पाए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि इन आरोपियों के नाम और उन आरोपियों को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस, चलिए पुलिस के दावे में कितना दम देखना होगा, क्योंकि सवाल तो पुलिस पर भी खड़े कर रही है युवती। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ के पोस्टर को में बताया गया वांटेड पोस्टर में घोटालों का भी जिक्र। भोपाल में लगे कमलनाथ के पोस्टर को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल, के मिश्रा का बयान, हमें नहीं पोस्टर अभियान की चिंता, जनता के दिल में है कमलनाथ। कमलनाथ के कूट रचित पोस्टर को लेकर हुई शिकायत, कांग्रेस ने पुलिस से की पोस्टर की शिकायत, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उज्जैन वासियों को आसानी से मिलेगा महाकाल का दर्शन, जुलाई से आधार कार्ड से मंदिर में मिलेगा प्रवेश, भारी श्रद्धालुओं पर दी जाएगी तरजीह। महाकाल लोक में प्रवेश पर श्रद्धालुओं को चुकाना पड़ सकता है शुल्क, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मुलाकात के बाद अगली प्रबंध समिति में हो सकता है फैसला।
जबलपुर में आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी में तोड़फोड़, देरी की वजह से लोगों का फूटा गुस्सा, हादसे में लाखों का माल जलकर हुआ था। दमोह में भीषण सड़क हादसा, ट्रॉले की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में पकड़ाया फर्जी टीसी आरोपी नरेश बंजारा को आरपीएफ ने पकड़ा, श्योपुर का रहने वाला आरोपी, ग्वालियर में जीआरपी के हवाले। 3 करोड़ के गबन का आरोपी गिरफ्तार, बुरहानपुर पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा, 20 साल से पहचान छुपाकर फरार था आरोपी। इंदौर में शादीशुदा महिला ने युवक को प्यार में फंसाया, फिर थाने में लिखवाई दुष्कर्म की रिपोर्ट, राजीनामे में मांगे 30 लाख रुपए। पन्ना के किलकिला कुंड में लाश मिलने से हड़कंप, रेस्क्यू कर निकाला गया अधेड़ का शव, 2 दिन से घर से लापता था 53 वर्षीय अधेड़। बुरहानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 50 मोबाइल को किया बरामद, सभी मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाया। निशा बांगड़े के इस्तीफे से मची खलबली, प्रशासन ने कार्यक्रम की नहीं दी थी अनुमति, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।